इस वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूं और सीधा पुलिस कप्तान के घर के ठीक बाहर, जहां पर अभी धरना प्रदर्शन हुआ। और ये धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि एक बेटी को छत से गिराकर मार दिया, ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उनका भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब? मंसूर अली। मंसूर अली, क्या कुछ हुआ था? अब तो लगातार समानता की बात हो रही है कि कानून भी समान हो, उधर प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनका अधिकार मिले, लेकिन आखिरकार क्या कमी रह गई, कौन है वो लोग और किस तरीके से आपकी बहन को प्रताड़ित किया गया? सर, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटी का कत्लेआम हो रहा। मेरे से 8 साल छोटी थी मेरी छोटी बहन, 4 साल पहले हमने शादी की थी उसकी। बहुत कुछ दान दहेज दिया, बहुत अच्छा सब कुछ किया, लेकिन दहेज के लिए लगातार परेशान करते रहते थे, डिमांड बढ़ती जा रही थी। 10 दिन पहले मेरी छोटी बहन को मार पिटाई की ससुराल वालों ने, और मार पिटाई करके छत से ऊपर से नीचे धक्का दे दिया, साथ के साथ उसकी डेथ हो गई। उसको छोड़ के भाग गए, उनके सारे रिश्तेदार भाग गए। तो सर 10 दिन से हम पीछे फिर रहे, सब अधिकारियों के कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम इसी सिलसिले में कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमें कि कार्रवाई होगी और कि हम हर समय आपके साथ है। कप्तान साहब पे हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक दिन ये सब कुछ हुआ, या इससे पहले ये सालों से या कई दिनों से ये सब कुछ चल रहा था? सर बहुत दिन से चल रहा था, कई बार इस मामले में बीच में 5-7-10 आदमियों को पंचायत बिठा के मामले को सुलटा लिया गया आपस में, लेकिन उनकी मांग हमेशा बढ़ती ही जा रही थी दहेज को लेके। मतलब दहेज के लोभी है एक तरह से? दहेज लोभी है जी, हमारी बच्चों की बलि ले ली उन्होंने दहेज के चक्कर में जी। आपको लगता है कि इस पर भी कानून बनना चाहिए, जो इस तरीके से आज आपकी बहन है कल किसी दूसरे की बहन को बलि का बकरा ना पड़ना पड़े? बिल्कुल सर, आज जैसा मेरी बहन के साथ हुआ, आज हम जो खड़े इसलिए खड़े, कल को किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। जो दहेज लोभी है उसे सीधी फांसी मिलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ ना हो जी। और हमें यही उम्मीद है कि हमारी जो बहन के हत्यारे हैं तो उन सबको फांसी ही मिलनी चाहिए, जिससे सभी की बच्चियाँ सुरक्षित हो, आगे लोग कुछ गलत करने से पहले भी सोचे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो लगातार एक्शन लेने के मामले में बहुत सख्त माने जाते हैं, आपको उम्मीद है कि वो इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और आगे ऐसे उस पर कानून भी आएगा कि बेटियों को इस तरीके से प्रताड़ित ना होना पड़े? सर अगर आप अपने स्तर से वहां तक ये बात पहुंचा देंगे तो हमें योगी जी पर बड़ी उम्मीद है। तो वो ये काम करेंगे कि जिसने गलत किया, जिसने गुनाह किया, मारी गई मेरी बहन को, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। हमें उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री पर। तो एक भाई, बड़ा दुख है उनको क्योंकि जिस तरीके से जो कुछ हुआ, उनकी बहन को छत से गिराकर मार दिया गया। पिछले 10 दिन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल तो यहाँ पर पहुँचा कि इनके प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन जब इंसाफ की बात होती है तो सिर्फ आश्वासन। और वो आप देख सकते हैं पुलिस कप्तान का घर है और इनकी यही मांग है कि आखिरकार कब उनकी बहन को इंसाफ मिलेगा, सवाल यही है। हालांकि पुलिस वालों ने बड़ी जल्दी की कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर भीड़ थी, जो बैनर पोस्टर थे, उसे जल्द से जल्द यहाँ से हटा दिया गया। उम्मीद है कि एक बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, सहारनपुर, हेडलाइंस इंडिया।